बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की एक बार फिर पोल खुल गई है। जहां लोगों को घर घर तक पानी की सप्लाई दी जा रही है, तो वहीं कुछ जगह पर लोगों को पानी की सप्लाई तो है, मगर लोगों को गंदे पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला है जिला कांगड़ा राजा का तालाब का, जहां सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग उपमंडल राजा का तालाब के अधीन पड़ती पेयजल योजना गुरियाल से गांवों को जाने वाली पीने के पानी की पाइप लीकेज है, जिसके चलते पाइप के पास खड़ा गंदा पानी पाइप के बीच गुजरकर लोगों के नलों तक पहुँच रहा है, मगर विभाग बेखबर बना हुआ है। वहीं बेखबर लोग भी इस पानी को साफ समझकर पी रहे हैं। अगर बात करें तो पानी की ये लीकेज संबंधित पेयजल योजना के नाक तले है, मगर फिर भी विभाग इसे ठीक करवाने की जहमत नहीं उठा रहा है। आज हालत ये है कि जहां पाइप की लीकेज है, वहां पर सड़क का नाला है, जिस पर गंदे पानी से गुजरने वाली पुली है, जिसमें सड़क के किनारों के साथ दुकानों से आने जाने वाला गंदा पानी, उसके बीच ही पाइप में ये लीकेज होने से जो भी जहां का गंदा पानी है वो लीकेज वाली पाइप में घुसकर सप्लाई के पानी में मिल जा रहा है, जिससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं संबंधित विभाग अभियंता बलवीर सिंह ने बताया कि मामला ध्यान में आया है, लीकेज को ठीक करवाया जा रहा है। आज वेल्डिंग सेट वाले दो बुलाए हुए हैं, तो आज ही हमारे ध्यान में बात आई है, तो हम शाम तक इसको ठीक करवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें तो जैसे हमारे ध्यान में आते हैं समय समय पर हम उसको ठीक करवाते रहते हैं। ऐसी कोई हम पब्लिक को बिल्कुल स्वच्छ पानी देते हैं और ऐसा कोई हम कोताही नहीं बरतते थे इसके बारे में। आज ही ध्यान में आया, हम आज ही इसको ठीक करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि विभाग समय रहते समस्या का हल क्यों नहीं कर पाता, जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। अब देखना ये भी है विभाग इस पानी की सप्लाई को कब ठीक करवाता है, या फिर लोगों को ऐसा ही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। रहन से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।